S are the midpoints of the sides AB, BC, CD, and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. हमें rhombus given है. इसके midpoints and we are to show that PQRS is a rectangle. Given बातों की आवाज आ रही है मुझे. मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए आप रिस्पेक्टिवली करके भी लिख सकते हैं. नहीं होएंगे. नोटबुक ओपन करिए. इज इट डन टू प्रूव सो दिस इज ऑल गिवन इन द स्टेटमेंट. आपको गिवन है ए बी सी डी एक रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज लग जाएंगी यहाँ पे. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रोम्बस की? All sides equal, diagonals bisect at right angles. ठीक है, ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये एंगल 90 है. हम इसको एक पैरेललोग्राम शो कर देंगे. इफ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, रेक्टेंगल हो जाएगा. ये एंगल 90 हो गया. पी क्यू आर एस हम ऑलरेडी शो कर चुके होंगे, वो पैरेललोग्राम है. वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री तो दैट इज अ रेक्टेंगल. यानी कि सबसे पहला काम हमने क्या करना है, वी आर टू शो दिस पी क्यू आर एस एज अ पैरेललोग्राम. सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज किया था वो होगा. क्या लगेगा? पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स गिवन है. ट्राइंगल मुझे ना अभी भी बातों की आवाज आ रही है. ध्रुव आप वहां से उठ जाइए और इधर आप फर्स्ट बेंच पे आइए. गेट अप ओवर फ्रॉम देयर. बुक बेटे रख लो, बैग इधर कर लो. पी और क्यू हमें मिड पॉइंट्स गिवन है. ट्राइंगल हम लेंगे एबीसी. पी एंड क्यू सिंस दीज आर द मिड पॉइंट्स तो यूजिंग विच थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम. क्या होगा? पी क्यू विल बी पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी. सेम वे में इन ट्राइंगल ए डी सी S and R are the midpoints. So again using midpoint theorems, SR is parallel to AC and half of AC. One pair of opposite sides जो है of a quadrilateral equal and parallel, then it is a parallelogram. PQRS आपका एक parallelogram हो जाएगा. उसके बाद हम यहाँ इनकी naming दे देंगे. अब क्योंकि SR AC के parallel है और इधर से PQ भी इसके parallel है, यानी कि ये दोनों हम already show कर चुके हैं. तो क्योंकि ये पॉइंट्स पैरेलल लाइंस के ऊपर लाए कर रहे हैं तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. दिस विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. देन आप या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा. एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. पैरेललोग्राम का एक एंगल 90, यानी कि ये भी 90 हो जाएगा. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद ये बड़े वाले पैरेललोग्राम में वन एंगल इज 90 डिग्री तो इट इज अ रेक्टेंगल. क्लियर? जो हमने प्रूफ करना है, कंसेप्ट क्लियर है? नाउ लेट अस राइट डाउन. प्रूफ में आप लिखोगे कौन सा ट्राइंगल लें पहले? इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स. AB and
बीसी, यहाँ रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना है, ठीक है? यस, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। PQ parallel AC and PQ is half of AC. ठीक है, क्लियर? इसको इक्वेशन वन ले लो। इन द सेम वे इन ट्राइंगल ADC मैंने जब सिमिलरली लिख लिया तो इट मींस यूजिंग द सेम रीजंस, सो आई हैव रिटन द रिजल्ट डायरेक्टली। सिमिलरली करके आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है? तो मेरे पास आ गया पी क्यू पैरेलल है एसी के, एस आर भी पैरेलल है एसी के, एंड बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो इट मींस पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इतना पार्ट तो आपका ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होना है इस वाली एक्सरसाइज के, तो ये अच्छे से समझ लो, ठीक है? सो आप लिखेंगे यूजिंग वन एंड टू PQ parallel SR and PQ equal to SR. So this implies PQ SR is a parallelogram. Given erase कर दूं? This implies using one and two ये हो गया, this implies PQRS is a polynomial. इसके बाद मैं बस नीचे बिठाऊंगी अब, और कोई ऑप्शन नहीं देनी मैंने। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब इनकी नेमिंग दे दो यहाँ पे, लेट दिस बी ओ, दिस पॉइंट बी ई। नाउ वी विल शो दैट दिस ई क्यू टी ओ इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या लिखें इसके लिए? अब हमने शो करना है ई क्यू टी ओ को एक पैरेललोग्राम शो करना है। ई क्यू टी ओ क्योंकि मुझे ये वाला एंगल 90 शो करना है। डायगनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। मुझे नहीं पता ई और ओ मिड पॉइंट है या नहीं है, मुझे कहीं नहीं गिवन या मैंने कहीं नहीं प्रूव किया कि ई और ओ इसके मिड पॉइंट हैं, तो ये और ये आपके इक्वल होंगे। पैरेलल तो नो डाउट दीज आर। ये इरेज कर दूं? चलो ई क्यू पैरेलल है ओ टी के, यस और नो? वाई क्यू पैरेलल है, हाँ जी, क्योंकि हमने पी क्यू एस, यस पी क्यू हमने एसी के पैरेलल प्रूव किया है, और ई जो है दैट इज अ पॉइंट लाइंग ऑन पी क्यू, और ओ एंड टी आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन एसी। तो इट मींस जो ई क्यू है दैट इज पैरेलल टू ओ टी। सिमिलरली जो क्यू टी है दैट इज पैरेलल टू ई ओ। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं
तो यहां से जो क्यू आर है दैट विल बी पैरेलल टू बी डी, क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं क्यू एंड आर, तो मिड पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करते हो तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो क्यू आर जो है वो बी डी के पैरेलल और उसका हाफ होगा। अब क्योंकि क्यू आर बी डी के पैरेलल और उसका हाफ है, हमने पैरेलल वाला कंसेप्ट उठाना है, क्यू आर क्योंकि बी डी के पैरेलल है तो क्यू टी विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ई ओ, क्योंकि क्यू जो टी पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन क्यू आर, एंड जो आपका ये पॉइंट है ओ दैट इज लाइंग ऑन ई एंड ओ दैट इज लाइंग ऑन बी डी। ठीक है, यहां आप लिख लो। हाँ जी, एनी डाउट? चलिए, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, तो दिस इंप्लाइज ई क्यू पैरेलल ओ टी। मेरे को नहीं पता ना हाफ कैसे कह रही हूँ, हाउ आई कैन से, हाँ पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है दैट इज ओके। आप और क्या कह रहे हो, और क्या कह सकते हैं? पी क्यू हाफ हो गया, इट्स ओके, ए सी के हाफ हुआ ना। आई यूजिंग दिस आई कांट से कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू तो ई क्यू और ओ टी इक्वल होंगे, या तो मैं उसको शो करूं समहाउ। ठीक है ना, हमने एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल शो कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, हम ये करके नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली जो हमारा ये क्यू टी है दैट विल बी पैरेलल टू ई ओ। अब क्यू टी जो है ई ओ के पैरेलल है, ई क्यू जो है दैट इज पैरेलल टू ओ टी, तो ऑपोजिट पेयर जो है दैट आर पैरेलल तो क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। अब ई क्यू टी ओ हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया। नाउ एंगल ई ओ टी इज 90 डिग्री, रीजन? यस, क्योंकि आपका जो ये ओ पॉइंट है दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगनल्स, तो रोम्बस जो है उसके डायगनल्स दे कट एट 90 डिग्री, दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। नाउ एंगल ई ओ टी इज 90 डिग्री, यहां रीजन दे देंगे डायगनल्स ऑफ रोम्बस, कौन सा रोम्बस है? नाउ व्हाट टू राइट डाउन? यस, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ई क्यू टी इज ऑल्सो 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एक लाइन और लिखनी है हमें, सिंस पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री। हाँ जी, इसके बाद यहां से लिखोगे, सिंस पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज, यस, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल, सो हेंस प्रूव्ड। लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। एक ही थ्योरम आप कई तरीके से प्रूव कर सकते हो।
Is it done? If any doubt is there in any of the steps, you can ask. चलिए next पे. ये note down हो गया. अच्छा हाँ जी कैसे पी क्यू हाफ ऑफ ए सी हो गया, उसको कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे आप करना चाह रहे हो? हाँ जी बेटे, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हमने कंसेप्ट ऑलरेडी यूज किया. इधर से हमने ये कहा कि एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, ये दोनों इक्वल, तो ये भी इक्वल किए ना हमने शो. और उधर से हमने शो किया था कि पी क्यू इसके पैरेलल भी है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल करके हमने इसको एक पैरेललोग्राम शो कर दिया. आप जो कह रहे हो कि पी क्यू को हम हाफ ऑफ ए सी ले लें, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाफ ऑफ पी क्यू देन अगेन विल बी हाफ ऑफ दिस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि टी और ई मिड पॉइंट्स हैं या नहीं. ये मुझे कहीं गिवन नहीं है, ना कहीं मैंने ये रिजल्ट जो है वो रिड्यूस किया है. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस. अब उल्टा हमें गिवन है, हमें गिवन है कि जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं देन इट बिकम्स अ रोम्बस. सेम जो है कंसेप्ट लगेगा, पहले हम पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम शो कर देंगे, देन हम उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल शो कर देंगे, तो इट विल बी अ रोम्बस. ठीक है, सिर्फ हमने ये काम करना है, पहला पी क्यू आर एस को क्या शो करना है, दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, और उसके बाद पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इट इज अ रोम्बस. तो फिगर चेंज कर लेंगे, अब रेक्टेंगल गिवन है और मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके हम क्या बना रहे हैं, रोम्बस. तो मेक द फिगर, राइट डाउन गिवन टू प्रूव. मैं नहीं लिखूंगी अब गिवन एंड टू प्रूव, यू विल टेल मी एंड यू विल राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया गिवन का, यस ए बी, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, देन सेम वे में पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए. या आप ऐसे रिस्पेक्टिवली की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली. जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है यू कैन गो फॉर दैट. राइट डाउन गिवन, then to prove, yes, PQRS is a rhombus. सीक्वेंस बिल्कुल सही रखना है आपने. दोनों डायगनल्स में से किसी एक डायगनल को आप ज्वाइन कर लो, किसी को भी कर लो. ए सी करना है कि बी डी करना है? चलो ए सी को कर. कंस्ट्रक्शन कर दी हमने ज्वाइन ए सी, इतना हो गया. चलिए अप्रूव करेंगे. Yes, very good. In triangle ABC, P and Q are midpoints of AB and BC. So, by midpoint theorem. अब ये थर्ड क्वेश्चन में कंसेक्टिवली हम वही चीज शो कर रहे हैं कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना दैट इज अ पैरेललोग्राम. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. इक्वेशन वन ले लो,
सिमिलरली so what you will have using 1 and 2 so this implies that pqrs is a polynomial हां जी हां जी हो गया देखो पी क्यू हाफ ऑफ ए सी एस आर हाफ ऑफ ए सी अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे तो पी क्यू और एस आर क्या हो गए इक्वल हो गए यहां से पी क्यू ए सी के पैरेलल एस आर भी ए सी के पैरेलल यानी कि तीनों आपस में पैरेलल तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर सो दिस इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम क्या रीजन लिखेंगे Yes, one pair of opposite sides, equal and parallel. हाँ जी अब देखो नेक्स्ट वाले में हमने क्या शो करना है वी आर टू शो द एडजेसेंट साइड्स टू बी इक्वल तो कोई भी या ये दो ट्राइंगल्स ले लो ये दो ले लो ये दो ले लो या ये दो ले ठीक है हम क्या कर रहे हैं ये वाली और ये वाली ट्राइंगल ले तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मींस एस आर इज इक्वल टू आर क्यू हाँ जी आर इज द मिड पॉइंट सो डी आर इज इक्वल टू आर सी उधर से ए डी इक्वल टू बी सी ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल तो हाफ ऑफ देयर विल बी इक्वल एस एस कॉन्ग्रुएंसी से क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है डी और सी पे तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मींस एस आर इज इक्वल टू आर क्यू सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो इट इज अ रोमबस ये कर दो इरेज इतना हो गया चलिए नोट डाउन कर लो नो प्रॉब्लम यू कैन जस्ट करन डन हो गया वेयर हाँ तो फिर बिना फिगर कैसे काम चलेगा और थर्ड अभी तक शुरू भी नहीं हुआ आपका वेरी गुड एंड विदाउट फिगर योर दीज प्रूफ्स आर यूजलेस मीनिंगलेस है ये आपके रुद्र डन मिलन जल्दी जल्दी करो हरसिमरन नोट डाउन हो गया फिर क्या इधर उधर देख रहे हो बेटे आप हाँ जी क्या है मैंने तो जितनी बार भी आपको ऑब्जर्व किया ना यू आर लुकिंग हेयर एंड देयर बी क्विक आगे आ जाओ वहां से नहीं दिख रहा तो वैभव देखना ये कौन से स्टेप पे पहुंचा है पीछे पीछे वाला बच्चा आप बी क्विक पूरा खत्म होएगा आपका तभी मैं आगे जाऊंगी इस पे एक नजर रखा करो लिख रहा है कि नहीं भूल जाता है ये लिखना
हाँ जी डन, इज इट डन? चलिए अब लिख लिया इसने पूरा। पूरा लिख के मेरे पास नोटबुक लेके आओ, बी क्विक। एंड यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम्स और टाइम ऑफ द अदर्स आल्सो। तो बाकी फिर मैं जो लिखूंगी उसका नहीं मिस होगा, जल्दी से लिखो इसको। हर गुण बातें नहीं, डन। नाउ इन ट्राइंगल्स एंड जो भी दो ट्राइंगल्स लोगे ऑपोजिट नहीं लेनी, ये ध्यान रखना, ठीक है? वैसे ले लोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बट स्टिल आमने सामने वाली लो, ठीक है? एस डी आर एंड अब डी आर R is midpoint of BC or CD. Each 90 degree क्यों? क्योंकि rectangle है तो उसके सभी angles क्या होते हैं? 90 degree. And the third one? यहाँ लिख देंगे। इज इट ओके? हाँ जी बोलो, एक मिनट, वो क्या बोल रहे हैं? हाँ जी बेटे, एस आर और क्यू आर हमने शो करने हैं, वो हमने शो करने हैं दैट दे आर इक्वल। हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया, हम एडजेसेंट साइड्स इक्वल शो करेंगे तो इट विल बिकम अ रोम्बस। उससे क्या होगा? यहाँ पे जब आप लोगे ना तो आपको क्यू भी लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम एडी और बीसी को लेके चल रहे हैं, तो हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि एडी और बीसी इक्वल है, फिर उनके हाफ सम ने इक्वल की, ठीक है? कौन सा रूल लगा? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो क्या हुआ? बाय सीपीसीटी चलिए इसके बाद लिखेंगे, सिंस एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। यहां लिख दो इधर, सिंस एडजेसेंट साइड्स of parallelogram PQRS are equal, therefore PQRS is a rhombus. और लास्ट में आप लिख देंगे hence rule. और इसके लिए कोई भी H dot P dot नहीं लिखेगा, पूरा लिखोगे hence rule. चला कर।
Is it done? Yes. Go back. Figure. Yes. That you will do yourself. Fourth one. In the fourth, we are given ABCD is a trapezium with AB parallel DC, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. Now you can see जो आपको डायगनल बी डी गिवन है ये ट्रेपीजियम को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो एक तरफ हमें दिया हुआ है कि ई मिड पॉइंट है, दूसरी तरफ हमें गिवन है कि ई से जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू ए बी। अब मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से हम एक अगर लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, जो अदर पॉइंट होता है दैट ऑल्सो बिकम्स द मिड पॉइंट। ओके, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन टुमारो। अटेंडेंस किसने लेनी है? लवलीना, अटेंडेंस सेवन, ट्वेंटी सिक्स, थर्टी थ्री, थर्टी। बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग एज द टाइम इज ओवर। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो।